ये है सविता का घर। सविता अपनी बहन को बहुत याद कर रही है। ओ छुटकी, तुम होती तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें बोल रही थी मेरे साथ चलो, अभी तक नहीं आई हो तुम। कितना सारा काम पड़ा है। छुटकी कब आएगी तू? मैं तुझे बहुत याद कर रही हूँ। छुटकी आ जाती है। दीदी दीदी दीदी, कहाँ हैं आप? आपने कितना फैला के रखा है। दीदी, हाँ सविता, मैं यहीं पर हूँ। तुम कब आई? तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरी छुटकी आ गई मेरे पास। इधर तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें गले तो मिल लूँ। मेरी छुटकी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हाँ दीदी, मैंने भी आपको बहुत याद किया। मुझे मालूम है आप अकेले परेशान हो रही हैं। चले आप मुझसे गले तो मिल लें। ओ मेरी प्यारी सी छुटकी, तुम्हारे बगैर पता नहीं मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर। ओ दीदी, मुझे तो याद नहीं किया करा करे। देखो मैं आ गई आपके पास, मेरी प्यारी बहन। और सफ़र अच्छा रहा ना तुम्हारा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं तो कल ही आई हूँ, कहा था मेरे साथ चलो, एक दिन लेट हुई। चलो दीदी, मैं आ गई हूँ ना, मैं सारे काम संभाल लूँगी। ये बर्तन ऐसे क्यों पड़े हैं? ओहो, तुम्हारे बाल तो देखो छुटकी, कितने बड़े हो गए हैं। देखो तो जरा कितने बड़े बाल हो गए हैं। अरे वाह, देखो कितने लंबे बाल हुए हैं तुम्हारे। वाह भाई वाह, बहुत प्यारे बाल हैं। थैंक यू दीदी। चलो अब तुम आ गई हो तो मैं थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। अब तुम हो तो मुझे काम की क्या टेंशन। हाँ हाँ दीदी, आप बैठ जाएं, मैं काम कर लूँगी। ठीक है, सविता फिर बैठ जाती है। दीदी आप बैठ जाएं, मैं सारा काम कर दूँगी। आपने तो वैसे ही सारा घर सजा दिया है, बस ये बर्तन रह गए हैं तो मैं जमा देती हूँ अभी। ठीक है आप बैठे। हाँ छुटकी, मैं बैठ जाती हूँ और छुटकी बर्तन जमाती है। दीदी ये बर्तन बहुत प्यारे हैं, मैंने इन्हें घर से ही लाई हूँ, मम्मी ने पैक कर दिए थे। बहुत प्यारे बर्तन हैं दीदी ये, बस थोड़े से ही लेके आई हूँ मैं। देखो दीदी, सारे बर्तन जम गए, कितना प्यारा लग रहा है ये कमरा। पर ये कमरा बहुत छोटा है छोटी, मैं हूँ ना ये रूम चेंज करूँगी, मुझे बहुत छोटा है ये रूम, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस रूम में। एक ही जगह पे मेरा स्टडी रूम है, मेरा बेडरूम भी है वहीं पे, और किचन भी, मैं कैसे मैनेज करेंगे? कोई बात नहीं दीदी, सब मैनेज हो जाएगा। और छुटकी तुम बताओ कैसी हो? छोटी कहती है मैं ठीक हूँ। छोटी एक तोहफा लाई है अपनी बहन के लिए। छोटी और बताओ, कुछ बताया नहीं सफ़र के बारे में? दीदी मैं आपके लिए तोहफे लाई हूँ दीदी। ये सूट, ये ड्रेस, ये पिंक ड्रेस मैं आपके लिए लाई हूँ दीदी। बहुत सारे कपड़े मैंने लाए हैं आपके लिए, आप देखें आपके को बहुत पसंद आएंगे। ये ड्रेस लाए। अरे छुटकी ये बहुत प्यारी ड्रेस है, लेकिन ये पार्टी वेयर है। तो क्या हुआ दीदी, मैंने आपके लिए और भी लाई हूँ, रेड भी लाई हूँ, ब्लैक है, पिंक है, बहुत सारी ड्रेस है दीदी। आप तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू छुटकी। और छुटकी खुश हो जाती है अपनी बहन को कपड़े देकर। छुटकी कहती है दीदी आप इसे पहन के दिखाएं, मैं इसे देखना चाहती हूँ, आप पहन के दिखाएं दीदी। ये पर्स भी मैंने आपके लिए ही लिया है। ओ छुटकी, तुमने तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली है भाई हमारे लिए, थैंक यू। चलिए दीदी आप लेट नहीं करें, जल्दी से इसे पहन के दिखाएं। ठीक है मैं पहन के दिखाती हूँ तुम्हें। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत प्यारी लग रही है आपके ऊपर, आप तो एकदम मॉडल दिख रहे हो, बिल्कुल मॉडल दिख रहे हो दीदी।
लेकिन छुटकी ये पार्टी वेयर ड्रेस है, मैं चेंज करूँगी क्योंकि ये पार्टी के लिए ड्रेस है। ठीक है दीदी, आप चेंज कर लेना। चलिए बैठिए, मैं आपके बाल बना देती हूँ। ठीक है मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं इसे चेंज करूँगी। अरे वाह छुटकी, तुम भी तैयार हो गई? हाँ जब आप तैयार हो रही थी तो मैं भी तैयार हो गई। अरे वाह दीदी, अरे वाह, ये देखो ये रेड ड्रेस कितनी प्यारी है, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ ये तो बहुत प्यारी लग रही है। छुटकी कहाँ चली गई है? छुटकी छुटकी, ए छुटकी कहाँ हो? फिर छुटकी भी आ गई। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो, देखो तो। हाँ तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, पर तुमने बाल क्यों नहीं बनाए अपने? देखो सब बाल पैरों में आ रहे हैं, तुम्हारे पैरों तक। हाँ दीदी, पर मैं बस ऐसे ही इन बालों को खुला रखूँगी। आप बताओ कि ये बाल खुले अच्छे नहीं लग रहे हैं? अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन इन बालों को तुम पता नहीं संभालती कैसे हो, इतने बड़े जो हैं। मैं तो कह रही थी कटवा दो बाल। अरे नहीं दीदी, मैं ये बाल नहीं कटवाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है इतने लंबे हेयर। आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी छुटकी किसी से कम है क्या? चलो हम एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं। लाओ मैं तुम्हारे फ़ोटो शूट करती हूँ, ठीक है? नहीं दीदी, हम साथ में ही फ़ोटो शूट करवाएंगे। चलो ठीक है बैठो, हम साथ में फ़ोटो शूट करेंगे। फिर छुटकी और श्वेत सविता बैठ जाती है फ़ोटो शूट के लिए, और उनकी बहुत सारी फ़ोटो शूट होती है। देखिए आप बताएं, आपको सविता अच्छी लगती है या छुटकी? हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सविता के बाल खुले अच्छे लगते हैं या फिर बंधे हुए? आप ये भी देखें और बताएं हमें, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। हम इससे बेहतरीन वीडियो और लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए छुटकी और सविता को की तरफ से बाय बाय।